प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो सरकार और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। कोरोना के खतरे को रोकने के लिए रायसिंह नगर में भी पुलिस प्रशासन ने जनता के सहयोग से इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद करवाए हैं। रिहायशी इलाकों में मुख्य बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही आमजन ने पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत की ओर से की गई अपील का पूरा समर्थन किया है। वहीं A1 टीवी संवाददाता विक्की भांडोरिया ने कानून व्यवस्था को लेकर DSP जय सिंह तंवर से की खास बातचीत। वायरस को लेकर के जहां पूरा विश्व चिंतित नजर आया, तो वहीं पर ही राजस्थान में कोरोना वायरस के पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। तो इसी बीच पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद देखने को मिला। पुलिस प्रशासन आए दिन कानून व्यवस्था को पूरी तरह से मुस्तैद रखने के लिए अपने खुद के स्तर पर ही दिन रात राउंड दिखते हुए मिलते हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ आज DYSP जय सिंह तंवर मौजूद है। उन्हीं को लेकर के पूछेंगे कि किस तरह से शहर की क्षेत्र की कानून व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। सर, हम ये कहते हैं कि क्षेत्र में जो लॉकडाउन हो रखा है और इसके बावजूद भी कई जो लोग हैं कि बेवजह लापरवाह होकर के घूम रहे हैं, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन कहाँ तक कार्रवाई करता हुआ? पुलिस व्यवस्था है वो बड़ी चाक चौबंद बनी हुई है। हर जगह गलियों में मोहल्लों में राउंड लेके समझाइश की जा रही है और बार बार जो चक्कर लगा रहे हैं आवारागर्दी करते हुए नजर आते हैं, बेवजह घर से बाहर निकलकर मोटरसाइकिलों में घूमते हैं, मोटरसाइकिलों को सीज किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अभी जो लगातार जो कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, क्या अपने इस क्षेत्र में कोई इस तरह का कोई मामला सामने आया देखने को अभी तक? कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की और प्रशासन की चाक चौबंद की वजह से गंगानगर ज़िले में अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है और पुलिस की व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है। तो ये थे हमारे साथ में DYSP जय सिंह तंवर। इन्होंने बताया कि अभी तक फिलहाल एक राहत भरी खबर इन्होंने सुनने को मिली है कि गंगानगर जिले में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों से ये अपील करती नजर आ रही है कि लगातार अपने घरों में रहें, निरंतर घरों में, और जो लापरवाह वाहन चालकों को उन्हें भी लगातार पुलिस समझाती नजर आती है। और A1 TV भी लगातार इसी तरह के समाचार दिखाते हुए अपील करता है कि अपने अपने घरों में रहें और जब तक सरकार या प्रशासन से कोई राहत भरी खबर नहीं मिल जाती है तब तक वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। कैमरा पर्सन सन्नी के साथ मैं विक्की भंडोरिया, A1 TV, रायसिंह नगर।